अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज ही हमारे किचन में बनने जा रहा है तंदूरी चिकन सैंडविच। बहुत ही मज़ेदार होता है और इसको खाएं एज अ स्नैक, गर्मियों में बहुत मज़े का लगता है। तो जी इसको ज़रूर ट्राई करें। उसके लिए मैंने ये चिकन ले लिया है। चिकन मैंने आधा किलो लिया था क्योंकि मैंने 5 से 6 सैंडविच बनाने थे, ये मेरे लिए बहुत था। और उसके लिए मैंने 4 अंडे लिए थे और ब्रेड का एक पैकेट लिया था, जिससे मैंने 5 या 6 सैंडविच बन जाएंगे मेरे इजीली इससे। और जी मैंने पैन में ऑयल ले लिया था, एक पैन लेना है, उसके अंदर ऑयल लेना है। ऑयल आपने 4 से 5 चम्मच लेना है, इनफ होता है इतना ऑयल ना। और हमने चिकन को हमने फ्राई कर लेना है। चिकन को हमने इस तरह ही फ्राई करना है, गोल गोल बोटी करके, बिल्कुल छोटी छोटी बोटी करके। अगर हम इस चिकन बड़ा ले लें और उसको बाद में श्रेड करें तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं बनता, उसमें टेस्ट इतना नहीं आता जितना इस तरह टेस्ट आता है। तो आप इस तरह ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगेगी आपको ये रेसिपी। चलें जी, चिकन को हमने कर लेना है अच्छे से फ्राई। फ्राई होने हमने यहाँ तक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, और जी ये जब वाइट वाइट सा कलर का हो जाएगा, इसमें झाग बनना बंद हो जाएगी। आप इस तरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चम्मच इसमें, लेकिन आप इसमें डोई वाला, जो लकड़ी वाली डोई नहीं होती, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डोई वाले चम्मच से झाग नहीं बनती है, इससे बनती है। तो मैंने बस यही इस्तेमाल किया है, मुझे यही सही लग रहा था जी। आपने फिर ये चिकन को जब अच्छे से ये कलर छोड़ जाए, ऑयल इसका अलग हो जाए और जी ये वाइट से कलर का हो जाए, तो इसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के लिए जो जो चाहिए होंगे वो मैं आपके सामने ही इसके अंदर डालूंगी, तो आप नोट कर लीजिएगा जितने मैंने डाले हैं। आप अकॉर्डिंग टू पीपल बना सकते हैं जितना आपको चाहिए चिकन। मैंने तो 5-6 सैंडविच का बना रही हूँ, तो मैं इसमें दादड़ी मिर्च यानी कि पत्ता मिर्च मैं 1 चम्मच लूँगी, थोड़ा सा कम लूँगी, इतना भर भर के नहीं लेना है, ताकि कम लेना है क्योंकि स्पाइसेस, इतना स्पाइसेस नहीं बनाना है हमने, थोड़ा सा लाइट वेट में बनाना है। और चिकन भी हमने कम ही रखना है सैंडविच में, क्योंकि अगर जब हम चिकन ज़्यादा रखेंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा और हमारा पेट जल्दी से भर जाएगा, इसलिए हमने चिकन कम ही रखना है। वेजिटेबल्स डालनी है, ये मैंने ले लिया था नेशनल का तंदूरी मसाला। नेशनल का तंदूरी मसाला बहुत अच्छा होता है, वैसे शान का रेड कलर का होता है, वो भी बहुत अच्छा था मेरे पास, लेकिन ये नेशनल का पड़ा था तो मैंने नेशनल का यूज़ कर लिया। नेशनल का तंदूरी मसाले का 1 चम्मच लेना है, वो भी हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जी फिर हमने हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा और 1 से थोड़ा सा कम हमें नमक लेना है, क्योंकि तंदूरी मसाले में भी नमक होता है। तो आप एज यू लाइक, जितना आप लोगों को पसंद है आप ले सकते हैं, एज अ टेस्ट आपने लेना है। और जी उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला था वो मैंने डाल दिया था, और जी वो भी आपने 1-2 चुटकी इसके अंदर डाल देनी है और अच्छे से इन सब चीज़ों को कर लेना है मिक्स। और इसके बाद हमने इसके अंदर सोया सॉस डाली है, सिर्फ इसके अंदर सोया सॉस जाएगी और इसके अंदर सिरका चिली सॉस कुछ नहीं जाएगा। सोया सॉस से इसका टेस्ट आला यम और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट आता है, कि जैसे हमने रेस्टोरेंट में हम खाते हैं ना सैंडविच, सेम वैसा टेस्ट आता है। सोया सॉस आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, इससे उभर कर बाहर निकल कर टेस्ट आता है इसका। और जी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, और मैं इसके अंदर टेस्ट के लिए ना, टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं केचप यूज़ कर रही हूँ। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी करने, आपको जैसे पसंद हो, मैं तो करती हूँ इसमें यूज़, मुझे बहुत मज़े के लगता है जी। इसमें 2 चम्मच मैंने केचप के ऐड कर देना है, चिली वाला नहीं करना क्योंकि हम पहले भी इसमें चिली डाल चुके हैं, तो अब हमने बगैर चिली के, हमने मैंने नेशनल का केचप इसमें यूज़ किया है। और जी केचप को अच्छे से हिला देना है, और फिर मैं इसमें देसी घी इस्तेमाल करूँगी। आप इसके अंदर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इसके मज़े को दुबाला करने के लिए इसके अंदर देसी घी इस्तेमाल किया, मुझे देसी घी बहुत पसंद है, तो मैं हर डिश में देसी घी को ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना, खुशबू भी बहुत मज़े की आती है। तो जी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको इतना अच्छे से भुनाई करनी है इसकी कि अच्छे से टेंडर हो जाए। जब टेंडर हो जाएगा तो हम चेक कर लेंगे इसको कि ये टेंडर हो गया अच्छे से, तो फिर हमने इसको उतार लेना और उतार के साइड पे रख देना है। ये जी हमारा चिकन अच्छे से गल गया था, और फिर हमने इसको 1-2 बार और चम्मच हिलाया और जी हमने इसको साइड पे रख लिया, क्योंकि हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका था। इतना मज़े का, इतना खूबसूरत चिकन बना था, दिल कर रहा था ऐसे ही खा लूँ, बस सैंडविच में यूज़ ही ना करूँ। बहुत मज़े का टेस्ट होता है इसका, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। और जी फिर मैंने ले लेनी है ब्रेड, ये मेरा सारा सामान तैयार हो चुका है। और ये देखें शक्ल, देखें इसके क्रेप से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना मज़े का लग रहा है, स्पाइसी लग रहा है।
जी ब्रेड लेनी है। ब्रेड के लिए मैंने नॉन स्टिक पैन ले लें आप या तवा ले लें, आप जिस भी चीज़ पे ब्रेड को सेक करना है आप उस पे कर लें। मैं तो थोड़ा सा ब्रेड को ना क्रंची सा टेस्ट हो जाता है और मैं इस पे कर लेती हूँ ग्रिल वाला। मेरे पास सैंडविच मेकर था तो मैं उसके ऊपर कर लेती हूँ। आप ग्रिल वाला ना भी नहीं भी है आपके पास तो आप तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि ग्रिल वाला लाजमी है, वो तो क्रंची करना है हम तवे पर भी कर सकते हैं। मैंने सोचा मैं इस पर कर लेती हूँ, शक्ल भी अच्छी आ जाएगी तो थोड़ी लुक भी अच्छी आएगी, वीडियो में तस्वीर भी अच्छी लगेगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसको सबको मायोनीज लगाना है। सबसे पहले ब्रेड को मायोनीज लगाने से ना इतना मज़े का टेस्ट आता है ना, वैसे हम मायोनीज लगाएं इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, जब हम मायोनीज लगाकर इसको थोड़ा सा क्रंची करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगेगा, बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। सेम बाहर वाले जैसे सैंडविच होते हैं ना बेकरी स्टाइल के सैंडविच, वैसे ही हमें टेस्ट मिलेगा इसका। इतना आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये मेरे तरीके से तो इसी तरह बहुत मज़े के होते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करेगा। ये मैंने सारे ब्रेड को अच्छे से मैंने मायोनीज लगा लिया है। तकरीबन मैंने 6 सैंडविच बनाने थे तो 3 लेयर वाले मैंने सैंडविच बनाने थे तो एक लेयर एक सैंडविच के लिए 3 ब्रेड मुझे चाहिए थी, तो मैंने तकरीबन यहाँ पे 15-16 सैंडविच को मैंने मायोनीज लगा ली थी। सिर्फ एक साइड पे मायोनीज लगानी है, जो साइड हमने इसकी क्रंची करनी है, क्रंची हो जाएगी तो ये बहुत मज़े के लगेंगे। मैं यहाँ पे सारे सैंडविच को मैंने मायोनीज लगा के रख ली थी और उधर से मैंने मेकर को जो सैंडविच मेकर है उसको मैंने पहले से ऑन कर लिया था ताकि ये थोड़ा हीट पकड़ ले, और इसके ऊपर फिर मैंने इसको रख दिया था। जो मायोनीज वाली साइड थी ना वही साइड इसके ऊपर रखनी है। ये देखें कि 2 मिनट के लिए मैंने इसके ऊपर रखा था और ये इतनी ज़बरदस्त शेप आ गई थी। अगर मैं और रखती तो और ज़्यादा क्रंची हो जाते, तो मैंने कहा चलो इतने नहीं हार्ड ना हो जाएँ कहीं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने बस इतने से किए थे। ये मैंने सबको ऐसे कर लिया और 2 मिनट मैंने इसको बंद भी कर दिया था ताकि ये अच्छे से हो जाएं। और जी फिर मैंने यहाँ पे ले लिया था अंडे। अंडे आप 3 ले लें, 4 ले लें, जितना आपको ऑमलेट पसंद हो, जितना ज़्यादा आपको इसमें अंडा पसंद हो ब्रेड में आप ले सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 अंडे लेने हैं या 2 अंडे लेने हैं या 5 अंडे लेने हैं, आप जितने मर्ज़ी ले लें। थोड़ा सा पानी लिया, पानी में मैंने काली मिर्च और नमक को थोड़ा सा मिक्स कर लिया था ताकि इसकी गुठली वगैरह ना बन जाए। गुठली वगैरह बन जाती है अंडे में तो फिर वो अच्छी नहीं लगती, तो इसको मैंने अंडे के अंदर मिक्स कर लिया था। मिक्स करके हमने इसका बनाना है आमलेट। आमलेट बनाना है, आमलेट वैसे तवे पे बनाया, मैंने पैन पे बनाया था। तवे वाले आमलेट का मज़ा ही अलग है, ओए होए होए बहुत मज़े का लगता है तवे वाला आमलेट बनिस्बत के पैन के ना। पैन में तो बस मैंने मजबूरी में जल्दी जल्दी से बना लिया था, लेकिन तवे पे बनाएं तो बहुत ज़्यादा अलग टेस्ट आता है। आप ज़रूर तवे पे ट्राई करिएगा। अच्छा जी, इस पे भी मैंने देसी घी डाला था। यहाँ पे मैंने पैन में आमलेट बनाने के लिए ऑयल मैंने यूज़ नहीं किया था देसी। मैंने फिर जल्दी से इसका आमलेट बनाया। आमलेट को अच्छे से आपने इसका पानी खुश कर लेना है। सिंपल आमलेट बनाना है आपने, कोई इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, इसमें ना कोई मिर्च ना टमाटर कुछ भी नहीं जाएगा। सिंपल आमलेट बनाना है, आप डाल भी सकते हैं, लेकिन मैं सारे मसाले डाल चुकी थी पहले चिकन में, इसलिए हमने ज़्यादा हैवी नहीं करना था, लाइट लाइट सा करना था ताकि सब शौक से और आसानी से खा सकें। ये मैंने ले ली थी चीज़। टमाटर हमने बारीक बारीक कट कर लेने हैं ताकि ये निकले ना, अगर हम मोटे टमाटर काटेंगे तो हमारे भाई निकल आते हैं। तो हमने खीरे को भी और टमाटर को भी बिल्कुल बारीक काटना है, बहुत बारीक काटना है ताकि ये बिल्कुल अंदर चिपक जाए। अच्छा जी, ब्रेड ले लिया मायोनीज वाली साइड पर, मैंने ऑमलेट रखा है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर टमाटर रखे हैं बारीक कटे हुए, फिर मैंने इसके ऊपर खीरे रखे हैं बारीक कटे हुए, बहुत बारीक खीरे काटने हैं आपने। टमाटर भी आप गोल शेप में भी काट सकते हैं, खीरे भी आप लंबाई वाली शेप में काट सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, कंफर्म नहीं है कि आपने वैसे ही काटने हैं जैसे मैंने काटे हैं। तो जी हमने दूसरी मायोनीज वाली साइड को ऊपर रखा और अब इसके ऊपर जाएगा चिकन जो हमने बना के रखा हुआ था। चिकन की ये देखिए, ये बहुत मज़े का टेस्ट देता है, जो हम श्रेड कर लेते हैं ना चिकन को वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। फिर जी हमने इसके ऊपर इस्तेमाल करनी है चीज़ को, आप पीसेज में काट लें, वैसे येलो चीज़ मिल जाए तो उससे तो टेस्ट ही दोबाला हो जाता है। येलो चीज़ मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसको वाइट चीज़ के साथ चेडर चीज़ ही मैंने यूज़ की है, चेडर मोजरेला दोनों मिक्स करके मैंने यूज़ कर ली थी। तो जी ये मैंने इसको कर दिया बंद करके। आपने इसको तवे पे ग्रिल करना है, तवे पे कर लें, आपने ओवन में करना है ओवन में कर लें, आपने इसमें सैंडविच मेकर में करना है सैंडविच मेकर में कर लें, जैसे आपको इजी लगे आप कर लें। ठीक है, ये मैंने 2 मिनट के लिए इसको रख दिया था, इसको फुल नहीं मैंने बंद किया था। अगर मैं फुल बंद कर देती ना तो वो टेस्ट नहीं आता, वो लुक नहीं आती जो मतलब के बाहर के सैंडविच की होती है, इसलिए आपने फुल इसको कवर नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको दोनों साइडों से सेक देना है। एक साइड से दे लें, दोनों से दे लें। मैंने इसको एक साइड से सेक दिया था क्योंकि दूसरी साइड मेरी मायोनीज वाली ऊपर थी, वो बहुत अच्छी थी, क्रंची थी वो भी, तो मैंने एक साइड से ही बस इसको थोड़ा सा ग्रिल कर लिया था और यहाँ पर कट किया और बहुत मज़ेदार सैंडविच मेरा तैयार हो गया था।
दूसरे सैंडविच तो हम खाते रहते हैं जो फुल बंद करके बनते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा अलग हट कर ट्राई करते हैं। तो मुझे बहुत मज़े के लगे, सबको बहुत मज़े के लगे, सबने बहुत तारीफ़ की। चटनी के साथ इसको खाएं, केचप के साथ खाएं, चाय के साथ लें, एज अ स्नैक लें, बहुत मज़ा आएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसे लगे। और जी इतने मज़े के। और एक और बात, आपने क्या करना है जी, आपने ब्रेड फ्रेश लेनी है। मैंने मेरी ब्रेड फ्रेश नहीं थी, मतलब मेरी 2 दिन से फ्रिज में पड़ी थी, तो मैंने उससे बनाया तो ये थोड़े से ना टूटने का ख़तरा लग रहा था मुझे। आपने बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लेनी है ताकि ये बिल्कुल टूटे ना और बिल्कुल फिट रहें ये, और ज़बरदस्त रहें, कटिंग करने में भी आसानी हो। अच्छा जी ओके, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रब रखा, मिलते हैं अगली वीडियो में।